हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त शिवान। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बताऊंगा, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, कोरोना के कारण लोग दूर दूर शहरों में अपने घर नहीं आ पा रहे हैं। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप एक फॉर्म भर के अपने घर आराम से आ सकते हैं। जिला के DM द्वारा एक फॉर्म लॉन्च किया गया है, हर जिला में लॉन्च हुआ है। तो आप उस फॉर्म को भरेंगे, अपना एड्रेस सही सही भरेंगे, अपना पूरा पता उसमें देंगे, आपको DM ऑफिस के जरिए आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा और आपसे बात करेंगे और आपको वहां से अपने गांव लेकर आएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अगली वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। यहां पे मेरा इंस्टाग्राम टिकटॉक का यूजर नेम आ रहा होगा, आप मुझे वहां पे फॉलो करें। तो चलिए, आप लोग का ज़्यादा समय लगते हुए वीडियो शुरू करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। खांसी जुकाम बुखार आए तो डॉक्टर को दिखलाएं। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये अभी बस्ती जिला के लिए आया हुआ है, तो मैं बस्ती जिले का अप्लाई करूंगा। आप लोग अपना चेक कर लेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट का आया हुआ है कि नहीं। तो ये भी बस्ती जिला के लिए आया हुआ है, तो मैं ये फॉर्म आपको भर के दिखा देता हूँ कैसे भरा जाएगा। तो आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम डालना होगा। उसके बाद जिस जो फंसा हुआ है उसका पूरा नाम डालना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद अपना वर्तमान ठहराव, मतलब आप प्रेजेंट करंट टाइम कहाँ पे फंसे हुए हैं, वहाँ का एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ का एड्रेस डाल देता हूँ, वहाँ का जहाँ है। उसके बाद नीचे आएंगे, आपका पैसा पूछेगा। तो आप जो भी करते हो, नौकरी या मजदूर विद्यार्थी जो भी हो करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आप बस्ती जिला में कहाँ पे रहते हो वहाँ का पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा, तो मैं पूरा एड्रेस डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको अपना एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। तो जैसे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदान पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, अन्य कोई भी दे सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड पे क्लिक करूँगा। उसके बाद नीचे आधार कार्ड नंबर डालेंगे, तो मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। एक बार अपना आधार कार्ड नंबर मिला लेंगे। उसके बाद आप एक बार अपना चेक कर लेंगे, आपकी आपने जो फॉर्म भरा है वो सही भरा है या नहीं। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आके सबमिट करें पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ तरीकों को देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे दिखाएगा कोरोना COVID-19 बस्ती जनपद प्रवासी सहायता, आपकी सूचना प्राप्त हो गई है, जल्द ही आपसे संपर्क कर किया जाएगा। आपने जो नंबर दिया है उस पर आपसे 2 से 3 दिन के अंदर आपसे संपर्क करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको कब तक लाया जाएगा वापस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपका यहाँ पे हो गया। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे अब दूर दूर फंसे लोग आराम से आ सकें। तो चलिए, अब मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद। अगली वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। रेमो, अगर तुम्हें 1 करोड़ की लॉटरी लगी और उसी दिन
मुझे किडनैपर्स ने किडनैप करके तुमसे 1 करोड़ मांगे। तो तुम क्या करोगे? रेमो, वो सब तो ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि एक ही दिन में मेरी दो लौटने लगेगी।